हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजीएफ मीडिया। मैं हूँ अभिषेक। सो दोस्तों, दशहरा एक ऐसी मूवी जिस मूवी के आने से पहले इस पे काफ़ी ज़्यादा मजाक बन रहा था। इस फिल्म को पुष्पा से कंपेयर किया जा रहा था। दशहरा ये वही पिक्चर है जिसमें आपको सुपरस्टार नानी यानी नेचुरल स्टार नानी देखने को मिलेंगे और कीर्ति सुरेश देखने को मिलेगी। दोस्तों, फिल्म की स्टोरी काफ़ी प्रिडिक्टेबल है, फिर भी इस मूवी को देखने में आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा, क्योंकि दोस्तों इस फिल्म में आपको वो सब मिल जाता है जो एक फिल्म में होना चाहिए, यानी रिवेंज, सस्पेंस, लव स्टोरी, एक्शन एंड धमाके दार क्लाइमेक्स। दोस्तों, इस फिल्म की डबिंग को कुछ और भी बेहतर किया जा सकता था। इस फिल्म में हमारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के एक बेहतरीन वॉइस ओवर ने भी अपनी आवाज दी है, जिनका नाम है शरद केलकर, जो कि इस फिल्म को थोड़ा एक लेवल ऊपर ले जाने का काम करते हैं। दोस्तों, फिल्म की स्टोरी का प्लॉट पूरा गाँव के ऊपर बेस्ड है। एक गाँव होता है जहाँ पर ऐसे लोग होते हैं जो काफी ज्यादा नशा करते हैं, साथ ही साथ उसमें हमको सुपरस्टार नानी भी देखने को मिलते हैं, वहीं कीर्ति सुरेश भी होती है। पूरा गाँव को लेकर इस फिल्म को बनाया गया है, जिस तरह आपने कांतारा मूवी में देखा होगा। इस फिल्म की डिटेल स्टोरी जानने के लिए आप मूवी देखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर स्टोरी रिवील कर दी तो शायद आपको इतना मजा ना आए मूवी देखने पर। हम हाईलाइट से ही आपको बता देंगे कि ये मूवी किस लेवल की है। दोस्तों, एक बेहतरीन शानदार मूवी है जो कि कहीं ना कहीं रामायण के जो थीम है उस पर थोड़ी सी बेस्ड है, और उस लेवल को लेकर डायरेक्टर ने काफी चालाकी से इस फिल्म को बनाया गया है, तो देखने में आपको काफी ज्यादा इंगेजिंग लगेगा। जिसमें जो गाँव के लोग होते हैं वानर सेना का काम करते हैं, फिर अच्छी तरीके से यूज किया है इन्होंने रामायण के इस आधार को। तो बात करें हमारे नेचुरल स्टार नानी की, तो भैया उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार लेवल की थी। क्या एक्शन करता है बंदा, क्या इमोशन, क्या फेस एक्सप्रेशन, मतलब देखते रह जाओगे। बहुत ही धमाकेदार उनकी परफॉर्मेंस थी इस मूवी के अंदर, एकदम नेचुरल स्टार उन्हें बिल्कुल सही कहा जाता है। कीर्ति सुरेश तो ऑल टाइम सुपर हिट रही है, उनकी परफॉर्मेंस भी हमेशा दमदार ही रहती है। इस फिल्म में हमको देखने को मिल चुका है। दोस्तों, इस फिल्म के रिलीज होने से पहले इस फिल्म को काफी ज्यादा कंपेयर किया जा रहा था पुष्पा से और हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन दोस्तों ये फिल्म एक बहुत ही धमाकेदार लेवल की फिल्म है। इसका क्लाइमेक्स देख के तो मजा ही आ जाएगा, इतना रो और रियल इसका जो क्लाइमेक्स बनाया गया है डायरेक्टर द्वारा। तो दोस्तों, अगर आप इस मूवी को देखने जाने की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, आपका पैसा वसूल हो जाएगा और फिल्म आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। इस फिल्म के हिंदी डबिंग गाने थोड़ा सा हमको इरिटेट कर सकते हैं, लेकिन वो इग्नोरेबल है क्योंकि मूवी काफी बेहतरीन है। फर्स्ट हाफ में तो मूवी धमाका कर देती है, सेकंड हाफ में थोड़ी सी स्लो है, लेकिन जब क्लाइमेक्स आएगा तो सारी की सारी आपकी कमियां दूर हो जाएगी इस मूवी को लेकर। ओवरऑल दोस्तों, इस मूवी को हम 5/3 स्टार देंगे और नानी की परफॉर्मेंस के लिए स्पेशली 1 स्टार है। तो इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।